फोन लेने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है? अब काफी लोगों का मेरे पे यहाँ पे मैसेज आया था कि सर हमें एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है, पर हम ये कैसे पता करें कि ये एप्लीकेशन है RBS अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो वैसे तो आपको प्ले स्टोर के ऊपर काफी सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, पर उन एप्लीकेशनों के अंदर आपको फेक एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको किसी भी फेक एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो RBS अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, सिर्फ पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के ऊपर ही आपको 10 से लेकर 15,000 का लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। और आपको लोन जब भी अप्लाई करना है, जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, इमरजेंसी पड़ने पर आपको लोन एप्लीकेशन की तरफ जाना है, तो बेवजह आपको लोन अप्लाई नहीं करना। अगर आप बेवजह लोन के लिए अप्लाई करेंगे, रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, आपका सिविल भी खराब हो जाएगा और आपको काफी सारी फोन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकती है। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। भाई धमाकेदार मुझे लोन का ऑफर यहाँ पे मिल चुका है, एकदम न्यू एप्लीकेशन है, आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक पे देखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे इस एप्लीकेशन से जो लिमिट मिली है पूरे 10,000 रुपये की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। इस लिमिट को मैं कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत है सिर्फ 10,000 रुपये की। तो मैं आपको पूरे 10,000 रुपये का यहाँ पे जो लोन है तो लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो आप इस लोन को 90 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 120 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 150 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 180 दिन के लिए भी आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपको जितना भी टेन्योर चाहिए, जैसे आपको 90 दिन का चाहिए तो 90 ले सकते हैं, 120 दिन का चाहिए तो 120 दिन का ले सकते हैं, अगर आपको 150 दिन का चाहिए तो 150 दिन का भी ले सकते हैं, अगर आपको पूरे 6 महीने का चाहिए तो आप यहाँ पे पूरे 6 महीने का भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया 90 दिन, आपको भी यहाँ पे सबसे पहले जो भी टेन्योर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे जो लिमिट मिलेगी ना तो 10,000 रुपये की आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी, और आप इसकी रिपेमेंट जब यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपकी लिमिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप करते हैं ना तो बिल्कुल भी एप्लीकेशन के बारे में आप यहाँ पे जान नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको उसको करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। देखो सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है ना, आपके आधार कार्ड से लिंक यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। नीचे आने के बाद आपको OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और जैसे ही आप OTP को फिल करेंगे, नीचे आने के बाद आपको इसे दो चेक को क्लिक करना है, और आपको नीचे आने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल, आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालनी है। अब आपको जो पर्सनल डिटेल डालनी है कौन सी डालनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। देखो आपका जो भी नाम है यहाँ पे, जो आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड में है, वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद आपको फादर नेम यहाँ पे डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है, डेट ऑफ बर्थ का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। नीचे आने के बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट कर देना है, अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे, अगर ऑथर है तो आपको ऑथर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो नीचे आने के बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है, नीचे आने के बाद आपको मटेरियल स्टेटस को क्लिक करना है, और नीचे आने के बाद आपको सेव वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे मिले ना, वो भी आप अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि आप एक सैलरी पर्सन भी हो सकते हैं और सेल्फ भी आप यहाँ पे हो सकते हैं। आपकी सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी सैलरी बैंक में आती है, चेक से आती है। तो आपकी सैलरी बैंक में आती है, चेक से आती है। तो यहाँ पे जैसे भी आपकी सैलरी आती है आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपको कैश मिलती है तो कैश वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, अगर आपको चेक से मिलती है तो चेक वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, अगर आपको बैंक में आती है तो आपको बैंक वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको कंपनी नेम यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है टेक होम मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम यहाँ पे कितनी है। देखो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, आपको जो आपको मंथली इनकम डालनी है कम से कम आपको 25 से लेकर 30,000 के बीच की इनकम आपको यहाँ पे डाल देनी है। नीचे आने के बाद आपको सैलरी बैंक अकाउंट जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डाल देना है। देखो जो भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं उस वर्क का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। सारा कुछ आपको फिल करने के बाद आपको नीचे वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नीचे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा पेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ आ जाना है, तो यहाँ पे लिखा है ऑफिस एड्रेस। देखो आप जहाँ भी काम करते हो ना, जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या, ऑफिस एड्रेस का यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देना है। सबसे पहले आप लिखा फ्लैट हाउस नंबर, आपकी जो बिल्डिंग का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद आपको एरिया का यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो आपको पिन नंबर यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद आपको सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद आपको स्टेट वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से
फील कर देनी है। फील करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है और आपको नेक्स्ट वाले होम पेज पे आ जाना है। अब जब नेक्स्ट वाले होम पेज पे आएंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है तो आपको सिंपल से तीन स्टेप यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। अब जो तीन स्टेप आपको कौन से फॉलो करने पड़ेंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्लीट केवाईसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंप्लीट केवाईसी। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा वेरीफाई इनकम, आपको जो इनकम को वेरीफाई यहाँ पे करवाना पड़ेगा। देखो वेरीफाई आप इसको नेट बैंकिंग से भी करवा सकते हैं और ओटीपी के जरिए भी आप इसको यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे करवा सकते हैं। तो नीचे आएंगे आपको मिलेगा रेफरेंस ई साइन इन एग्रीमेंट, तो आपको ई साइन इन एग्रीमेंट को भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है ई मैंडेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो ई मैंडेट का मतलब यह है कि ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से आपकी ईएमआई यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी। आपको अपने बैंक बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखेंगे ना तो आपको यहाँ पे चेक बाउंस का चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, आपको गो स्टेप वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऐसा सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है अपलोड योर सेल्फी, आपको अपनी एक सेल्फी देनी पड़ेगी। आपको जो भी सेल्फी देनी है एकदम क्लियर आपको यहाँ पे सेल्फी दे देनी है। सेल्फी देने के बाद आपको नीचे आना है, अपलोड योर पैन कार्ड, आपको यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद आपको अपलोड द आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड है वो भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक आपको देनी है सेल्फी और यहाँ पे करना है आपको अपलोड यहाँ पे पैन कार्ड, नीचे आपको करना है आधार कार्ड। तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको दोबारा से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है। तो आप इसको डिजी लॉकर से भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अगर आपको जो केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है ना वो आप डिजी लॉकर से भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पता होगा आज के टाइम पे सारों के डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में यहाँ पे पड़े रहते हैं, आप इसको डिजी लॉकर से वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर से आप इसको वेरीफाई करने के लिए आपको करना है कि आपको नीचे आना है, प्रोसीड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है और ये जो वेरीफिकेशन है ना वो यहाँ पे कंप्लीट एक से दो सेकंड के अंदर ही आपकी वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगी। और लोन लेने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको लोन जब भी अप्लाई करना है जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है बेवजह आपको लोन अप्लाई नहीं करना। उसके बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट वेब पे आ जाना है। जैसे आप नेक्स्ट वेब पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको फाइनल जो लिमिट थी ना वो यहाँ पे निकल चुकी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे 90 दिन का लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, 120 दिन का भी, 150 दिन का भी, 180 दिन का भी। अगर आप यहाँ पे 90 दिन का लोन अप्लाई करते हैं ना, जैसे 90 डेज का लोन अप्लाई करते हैं, तो 10,000 रुपए का आपका यहाँ पे लोन है, आपकी ईएमआई बन के आएगी यहाँ पे 3741 रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 90 दिन का लोन अप्लाई करते हैं, अगर आप 120 दिन का लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ईएमआई बन के आएगी 2885 रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2885 रुपए आपकी ईएमआई बन के आ जाएगी। अगर आप इस लोन को 150 दिन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे आपका जो लोन का अमाउंट है 10,000 रुपए यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जो आपकी ईएमआई बन के आएगी 2373 रुपए। तो वो भी आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे 180 दिन के लिए अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना, जैसे आप 6 महीनों के लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी ईएमआई बन के आएगी 2033 रुपए। तो वो भी आप इसको अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताया कि कैसे आप यहाँ पे लोन लेना है और कैसे आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे बता दिया था, आप अपने अकॉर्डिंग जितने का भी आपको लोन चाहिए ना, जैसे आपको 90 डेज का लोन चाहिए, 120 दिन का लोन चाहिए, 150 दिन का लोन चाहिए, 180 दिन का लोन चाहिए, उतना लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ईएमआई बनके आ जाएगी, वो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ईएमआई बनके आ गई। तो अब यहाँ पे आपका अमाउंट दिख रहा है और यहाँ पे आपकी ईएमआई आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखो जितने भी आपका यहाँ पे दिन का लोन चाहिए ना, जितनी आप रिपेमेंट टाइम से कर सकते हैं उतना लोन आपके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे जो लोन था वो यहाँ पे अप्लाई करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर आपको लोन की इंस्टेंट इमरजेंसी है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।